जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, उस सब को जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी विजुअल आर्ट फॉर्म में, तो डैट इज़ इंक्लूडेड इन आर्ट्स. क्या मेन साइंस हो सकते हैं ऐसे बच्चों में कि आप उसको जज कर सकें कि शायद आपको इस वक्त पे किसी थेरेपी की ज़रूरत है? टेक लॉन्गर टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन. वो उसको समझने में कितना वक्त लेते हैं, क्या वो उसे समझ पाते हैं या नहीं. कुछ बच्चों को जो स्पोर्ट्स में जब इंगेज किया जाता है तो उसके थ्रू उनकी फीलिंग्स और उनके जो इमोशंस होते हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जाती है, कम्युनिकेट. ऐसे बच्चे जो शायद किसी एक चीज़ में थोड़ा सा अगर कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं तो वो किसी अदर चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं. हमारे 3 बेसिक कलर्स कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड. एक बच्चा अगर अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो वो कहना चाह रहा है उसको बता नहीं पा रहा, तो उसके अंदर बेचैनी और इस्तराब पैदा होगा. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप इनिशियल लेवल पे उन्हें दे सकते हैं? फर्स्ट, मार्बल रन पेंटिंग. कोशिश कीजिए कि ऐसी प्ले डो इस्तेमाल ना करें जो बच्चा अगर मुँह में डाल ले तो खुदा न खासा नुकसान पहुँचने का खदशा हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. देयर आर एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी आर्ट पीस को जज करेंगे. 9 क्या होती है? A straight line is what? It's the distance between two dots. Form और shape में क्या फ़र्क हो सकता है? Form 3D होगी, shape 2D होगी. जब focal point आपका identified होता है, enhanced होता है, तो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है. आपकी 5 senses के साथ आपका जो ताल्लुक है, वो senses के साथ आप जो महसूस कर रहे हैं उसको आप किस तरह क्रिएटिव लेवल पे लेकर जा रहे हैं, वो आपकी कंसंट्रेशन के लेवल को भी इम्प्रूव करेगा. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ स्पेशल आर्ट थेरेपी फॉर द एक्सप्रेसिव इनोसेंट्स. सो आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सप्रेसिव इनोसेंट्स बिकॉज आई थिंक दैट दिस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर इनोसेंट, बट दे आर मोर एक्सप्रेसिव एज कम्पेयर टू अदर्स. समटाइम्स वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, so other ways should be used to enhance their skills ke wo uske baad zyada acche tarike se communicate kar saken. Okay, so first I will explain that what is art. Art is the expression or application of human creative skill and imagination. Jo bhi cheeze hum sochte hain, jo bhi hum mehsoos karte hain, hamari feelings, hamare emotions, us sab ko jab hum describe karte hain kisi bhi visual art form mein, so chahe wo painting hai ya sculpture hai, to that is included in arts. थेरेपी जो कि जाहिर है किसी भी डिसऑर्डर को हील करने के लिए होगी, या इंटेंट की या फिर ऐसा ट्रीटमेंट जो कि इंटेंट किया जाएगा टू रिलीव और हील अ डिसऑर्डर. स्पेशल नीड्स जो कि मुख्तलिफ बच्चों की ज़रूरियात हो सकती हैं, वो फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी डैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू रिक्वायर एडिशनल और स्पेशलाइज सर्विसेज और अकोमोडेशन. जहाँ पर कुछ लोगों को ये ज़रूरत होती है कि शायद उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनके साथ मुख्तलिफ मैथड्स का इस्तेमाल करना पड़े. मेन साइंस ऑफ नीड फॉर थेरेपी. क्या मेन साइंस हो सकते हैं ऐसे बच्चों में कि आप उसको जज कर सकें कि शायद आपको इस वक्त पे किसी थेरेपी की ज़रूरत है? डेथ थेरेपी कैन बी इन फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इवन ड्रामा. ठीक है, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट के इस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन के लिए आमादा करना है. Finding it hard to understand what others are thinking or feeling, maybe sometimes इस तरह के बच्चों के लिए ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है. आपने देखा होगा अमूमन जो ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, दे हैव देयर ओन वर्ड, उस वर्ड में ही होते हैं, उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं. समटाइम्स इट डज नॉट अफेक्ट दैम वट अदर्स आर थिंकिंग और डूइंग और वट इज़ इन देयर सराउंडिंग्स. तो मे बी इन दैट केस यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैम विद सम अदर वे, दैट कैन बी एन आर्ट थेरेपी ऑल्सो. गेटिंग वेरी एंशियस अबाउट सोशल सिचुएशंस. ठीक है, सोशल सिचुएशंस में वो परेशान हो जाते हैं, मे बी उनके लिए दोस्त बनाना मुश्किल होता है. स्टार्ट एक्टिंग इन डिफरेंट वेज टू अदर पीपल. Sometimes I have seen that such kind of children, they start switching the lights on and off without any reason, or maybe they are climbing the sofas or the chairs without any reason. So they start acting in different ways to other people. This is a sign where you just need to understand that you have to do something for them at the moment. Find things like bright colors or loud noises overwhelming, stressful, uncomfortable. I think it's for everyone. Even the loud noises and the bright colors sometimes are not comfortable for any one of us. But when someone is particularly
passing through a phase, such kind of things maybe are more difficult for him to control. ठीक है. Get anxious or upset about unfamiliar situations and social events. Take longer to understand information and problem with eye contact. Take longer to understand information. The information that is being delivered to them, वो उसको समझने में कितना वक्त लेते हैं, क्या वो उसे समझ पाते हैं या नहीं. थेरेपी में इवन आई हैव सीन दैट कुछ बच्चों को जो स्पोर्ट्स में जब इंगेज किया जाता है तो उसके थ्रू उनकी फीलिंग्स और उनके जो इमोशंस होते हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जाती है. उसके ज़रिए वो ये बयान कर पाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और ये भी कि उनकी कैपेबिलिटी किस चीज़ में ज़्यादा है. प्रॉब्लम विद आई कॉन्टैक्ट मे बी हम में से अक्सर लोगों को होता हो. इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद every person, and the children with special need, they may have some problem talking to others and maybe with the eye contact. Since one of the hallmarks of kids with special needs is impaired communication, jo main bar bar ek baat bar bar keh rahi hu, that is ki communication gap hai. They are feeling the things, they are understanding the things, but they have their own way of expressing what they are feeling. To ye impaired communication, uske liye creative art therapies are a natural fit for them, kyunki it's an art, not a science. आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर इसको मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, या कोई ख़ास रूल नहीं है. आर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये जज भी नहीं कर सकते कि किसका काम अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है. बुरे का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. लेकिन आर्ट चूँकि हमारी अपनी फीलिंग से एसोसिएटेड है, जैसा मैं चाहूँगी मैं वैसा बनाऊँगी. शायद मुझे सामने पड़ी कुर्सियाँ ब्लैक के बजाय लाल बनाना अच्छी लगे, आई विल मेक इट इन दैट वे. मे बी आप जब बनाएं तो आपका ध्यान पर्सपेक्टिव पे हो. इस तरह से चूँकि आर्ट में ये लिबर्टी होती है कि आपने किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, तो जब आप किसी भी बच्चे को जिसको कोई आर्ट थेरेपी जिसकी की जा रही है, जब आप उसको फ्री छोड़ेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी आर्ट वर्क प्रोड्यूस करे, तो इट्स अप टू हिम और हर कि वो उसके लिए एक्सप्रेसिव कलर्स का इस्तेमाल करता है, एक्सप्रेसिव लाइन्स का इस्तेमाल करता है, मे बी सम पजल्स का इस्तेमाल करता है, या जो भी होगा. देन यू हैव टू एनालाइज आफ्टर वॉचिंग हिज और हर वर्क दैट वॉट ही वॉन्ट्स टू डिपिक्ट. वो कहना क्या चाहता है ये जजमेंट फिर आपकी है. एनालाइज कैसे करना है आर्ट वर्क को, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ तमीद बांध रहे हैं कि बेसिकली हम आर्ट थेरेपी क्यों स्टार्ट करेंगे, किस वक्त स्टार्ट करेंगे, किन के लिए स्टार्ट करेंगे, एंड हाउ एक्सप्रेसिव दे आर, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस थिंग कि आप उनको किसी भी थेरेपी के ज़रिए जो है वो ये इन्हांस करें कि वो किस तरह अपनी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट. नॉन वर्बल वे है जिसके ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सकता है, इमेजेस, साउंड्स या बॉडीज. इमेजेस जो कि विजुअल आर्ट्स में आएंगे, साउंड्स जो कि म्यूज़िक में आ सकते हैं, एंड देयर बॉडीज में भी ड्रामा या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए आप जो है वो उनको एंगेज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में. पीपल विद स्पेशल नीड्स आर ऑफन हाईली विजुअल थिंकर्स, सो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड आइडियाज़ थ्रू इमेजेस में बी वेरी नेचुरल फॉर सम पीपल. तो ये लोग यूजुअली बड़े हाई और जो है वो हाईली विजुअल थिंकर्स होते हैं. जैसे हमने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो शायद किसी एक चीज़ में थोड़ा सा अगर कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं तो वो किसी अदर चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं. और विजुअल थिंकर तो आई हैव सीन दैट मैनी ऑफ देम आर डूइंग द ब्यूटिफुल आर्ट वर्क्स इवन एट द फाउंटेन हाउस. मे बी सम ऑफ यू हैव सीन द वर्क दे आर प्रोड्यूसिंग दैट इज़ अप टू द मार्क. द कलर्स, द एक्सप्रेसिव lines, everything is just amazing. So definitely it's a very natural way for some children to express their thoughts. Yes, please. How it will work for blinds? Oh, okay. How it will work for blinds? Maybe you have some other ways in which they can communicate. And if I talk about there are some of the artists who are color blinds, but still they are producing the works in an amazing way, and the color scheme is so beautiful that it is difficult for us to understand it whether the person is really color blind or not. If you're talking about a person who is completely blind and cannot see, maybe you can ask him to play with the clay, yes, with the dough, okay, with the things that have the texture that is associated with the feelings. There are five senses, maybe some other senses can be engaged in that way. Okay,
ओके जी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, चूँकि हम ये थ्रू आउट सारी बात ही इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये सब करने का हमारा मकसद यही होगा कि कम्युनिकेशन उनके साथ हमने डेवलप करनी है. सो सिंस वन ऑफ द आई थिंक आई हैव डन विद दैट स्लाइड. ओके, सो द यूज़ योर क्रिएटिव साइड टू डिसाइड द कलर चॉइसिस टू यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स इन टू देयर ओन विजुअल फॉर्म. किस तरह का रंग इस्तेमाल करना है, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये उनकी विजुअल कम्युनिकेशन पे है. यू कैन नॉट फोर्स देम टू यूज़ द कलर्स ऑफ योर चॉइस. इवन एनी पर्सन हु इज़ डूइंग द आर्ट वर्क, यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यहाँ पर मैं बल्कि बात करूँगी आर्ट एंड डिज़ाइन के डिफरेंस की, कि यूजुअली डिज़ाइन वर्क जो होता है, जैसे आपने कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है या कोई भी चीज़ आपने डिज़ाइन करवानी है, तो वहाँ पर जो डिज़ाइनर होता है उसको ये बताया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डैट वी वांट सच कलर्स फॉर द डिज़ाइन, डैट वी वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स टू बी यूज्ड इन दैट कम्युनिकेशन के लिए. लेकिन जहाँ तक बात आर्ट की है, तो वहाँ पर यू कैन नॉट आस्क द आर्टिस्ट टू मेक इट इन दीज वेज और कलर्स, दैट इज़ अप टू हिज चॉइस. हिस्ट्री में एक पेंटिंग है द नाइट वॉच, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग, इफ़ यू हैव सीन. अगर नहीं देखी तो आप जाकर ज़रूर देखिए. सो जब वो पेंटिंग बनाई गई तो द आर्टिस्ट वॉज कमीशन फॉर दैट पेंटिंग, बट लेटर ऑन सम ऑफ द पीपल डिडंट लाइक दैट के जो लाइट और ब्राइट लाइट चंद लोगों के ऊपर थी, वो सबके ऊपर इक्वली नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से चंद लोग बहुत इन्हांस और ब्राइट नज़र आ रहे थे और चंद नहीं नज़र आ रहे थे. सो ज़ाहिर है जो लोग नहीं नज़र आ रहे थे उनके लिए ऐसा होगा कि सबके ऊपर इक्वल लाइट होनी चाहिए थी, बट इट्स द चॉइस ऑफ द आर्टिस्ट. ठीक है, इट्स द चॉइस ऑफ द आर्टिस्ट. इंटरप्रिटेशन में आप दो तरह से काम देखेंगे, आर्टिस्ट ने क्या बनाया और कैसे बनाया, आपने उसको कैसे देखा और क्या समझा, एंड देन यू विल राइट योर कंक्लूजन अबाउट इट. ग्रीन्स, ब्लूज, पिंक्स, सॉफ्ट ऑरेंजेस एंड न्यूट्रल कलर्स आर वेरी कम्फर्टिंग, कीपिंग द कलर्स म्यूटेड. दोज टोन्स कैन क्वाइट द माइंड एंड क्रिएट काम. अवॉइड फुल इंटेंसिटी कलर्स. ठीक है, अब फुल इंटेंसिटी कलर्स, आप जैसे रेड है, ब्लू है, येलो है, हमारे थ्री बेसिक कलर्स कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड नो या प्राइमरी कलर्स वो हैं बेटा जिनको हम बना नहीं सकते, ये कलर्स एग्जिस्ट करते हैं. इससे आप फर्दर मजीद कलर्स बना सकते हैं, आप सेकेंडरी बना सकते हैं, टर्शरी बना सकते हैं, आप इंटरमीडिएट कलर्स जो मर्जी बनाएं, लेकिन ये तीन कलर्स किसी कलर को मिलाने से नहीं बनेंगे. लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग, येलो कलर, आपने कहा ग्रीन, ग्रीन को ब्लू और येलो को मिक्स करके बनाया जा सकता है, जो दो प्राइमरी कलर्स हैं. ठीक है, सो अगर हाँ, अब इन चीज़ों को, तो इन कलर्स को इस्तेमाल करना, डैट इज़ फाइन, दीज आर द प्राइमरी कलर्स. बट द मोर इंटेंस कलर्स, जिसके अंदर फ्लोरोसेंट कलर्स आ जाएँ या जिसमें कोई ऐसी चुभने वाली चीज़ आ जाए जो शायद अटेंशन को डाइवर्ट करे, तो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच कलर्स. म्यूज़िक, ड्रामा, विजुअल आर्ट, डांस एंड पेंटिंग, ऐसा हैव सेट कि आप इसमें से कोई सा भी कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वो देख सकते हैं. मुझे लगता है कि ये अगैन इट इज़ नॉट अ साइंस टू टेल डैट वॉट इज़ द नीड ऑफ द थेरेपी एट द मोमेंट. आप सबको आर्ट थेरेपी करेंगे, मे बी सम ऑफ दैम आर गुड इन टू डूइंग दैट, मे बी सम ऑफ दैम आर नॉट, मे बी दे आर मोर एक्सप्रेसिव इन इन द ड्रामेटिक्स, इन द म्यूजिक. ठीक है, सो यू हैव टू जज दैट. एक्चुअली फर्स्ट स्टार्ट लविंग दैम, वेन यू विल लव दैम यू विल अंडरस्टैंड अबाउट देयर नीड्स एंड यू विल बेटर प्रेजेंट अ क्योर फॉर दैट. Benefits of art therapy: enhanced communication through creative expression, improved imagination and great abstract thinking. अच्छा जी, जब वो communication strong होगी तो ज़ाहिर है creative expression बढ़ जाएगा. ठीक है, imagination strong होगी तो great abstract thinking सामने आएगी. अब paintings दो तरह से देख रहे हैं हम, अगर बिल्कुल basics की बात की जाए, कुछ realistic paintings हैं और कुछ abstract paintings हैं. क्या दोनों में से कौन सा art ज़्यादा बेहतर होगा? वाई? उसमें रोक टोक नहीं होती और क्रिएटिव लिबर्टी दे सकते हैं, रियलिस्टिक में नहीं दे सकते. अच्छा, रियलिस्टिक में भी दो तरह का आर्ट है, एक रियलिस्टिक है, एक नेचुरलिस्टिक है. अब नेचुरलिस्टिक वो है जो ज़्यादा नेचर से करीब है, यानी एग्जैक्ट एंड डिटो कॉपी ऑफ समथिंग. रियलिस्टिक इज ऑफ कोर्स येस अ कॉपी ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, बट नेचुरलिस्टिक इज मोर क्लोज टू द नेचर. एब्स्ट्रैक्ट में आप, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ रेड एप्पल, आप उसको नीला बना सकते हैं. वजह आपको मालूम होगी, इसके बारे में भी हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाती. आपकी मर्ज़ी है आपने क्यों नीला बनाया,
ठीक है, द आर्टिस्ट हैज़ द चॉइस. अब देखने वाला उसको किस नज़रिए से देख रहा है, वो जब देखेगा तो वो चारों तरफ जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं उन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को भी मद्देनज़र रखेगा. एनीवेज, अब एब्स्ट्रैक्ट से भी आगे एक बिल्कुल नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ब्लॉक बना दिया गया स्क्वायर एंड इट हैज़ अ मीनिंग. एब्स्ट्रैक्ट क्या है, रियलिस्टिक क्या है, एक एप्पल बनाया लाल रंग का रियलिस्टिक है. एब्स्ट्रैक्ट क्या है, आपने एप्पल नीले रंग का बना दिया, अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि वो एप्पल है लेकिन उसका रंग मुख्तलिफ है या उसकी कलर ड्राइंग या कोई भी चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है. अब उससे भी आगे चला जाएं, बिल्कुल ही नॉन रिप्रेजेंटेशनल एक वे आ जाता है जिसके अंदर एक स्क्वायर या फिर एप्पल को सिर्फ सर्कल में बनाया गया है. देयर इज़ अ सर्कल इन रेड कलर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ जस्ट अ मेयर सर्कल इन एप्पल मे बी सम अदर फ्रूट और वट्सो एवर. अब वहाँ से शुरू हो जाता है कि आपने उसको एनालाइज कैसे करना है, उस पर हम आगे बात करते हैं. Enhanced development while building visual skills, greater emotional and sensory regulations, which has a positive impact on behavior. ज़ाहिर है कि जब आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक बच्चा अगर अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो वो कहना चाह रहा है उसको बता नहीं पा रहा, तो उसके अंदर बेचैनी और इस्तराब पैदा होगा. अगर वो अपनी बात किसी भी तरीके से किसी भी विजुअल आर्ट की फॉर्म में आपसे कम्युनिकेट कर चुका है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नंबर टू पे आएगी. नंबर वन पे उसने आपको डिलीवर कर दी अपनी बात, तो जाहिर है कि इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर. शायद ये हम सबके साथ होता है, व्हेन वी कैन एक्सप्लेन वी फील मोर सेटिस्फाइड. इन्हांसेस द क्रिएटिविटी ऑफ ईच यूनिक इंडिविजुअल विद यूनिक एबिलिटीज स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स. अ क्रिएटिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव. अच्छा जी, जाहिर है आर्ट जिस तरह के माहौल में किया जाएगा वो एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव सही माहौल हो सकता है, वो एक क्रिएटिव माहौल हो सकता है. अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपने यू हैव टू मेक अ पेंटिंग, सो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स पॉसिबल फॉर यू टू सिट इन सच एन ऑर्डर एंड मेक अ पेंटिंग. मे बी आई विल आस्क यू टू सिट इन अ सर्कल, पुट योर मटीरियल जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग. और उसके बाद भी जिस तरह मैं आपको शायद इन द फर्स्ट कह सकती हूँ कि आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे शुरू कर दें, आप में से चंद लोग कंफर्टेबल होंगे ईजल को खड़ा करके उस पर काम करने में, कुछ बैठ के काम करने में, कुछ नीचे रख के काम करने में. सो एक एनवायरनमेंट जो कि फ्री होगा, जिसमें लिबर्टी होगी, जिसमें काम करने वाले को ये महसूस होगा कि उसकी इम्पॉर्टेंस है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको लिबर्टी दी जा रही है, ज़ाहिर है कि वो एक ज़्यादा क्रिएटिव एनवायरनमेंट भी रहेगा और उसके लिए ज़्यादा सूटेबल और सूदिंग भी होगा. अच्छा, कुछ डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज़ देख लेते हैं जो कि आप, चूँकि टुडे आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, द किड्स, या जो मैंने स्टार्ट में वर्ड इस्तेमाल किया, इनोसेंट क्रिएटिव थिंकर्स, ठीक है. सो बच्चों के ही हवाले से बात करूँगी. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप इनिशियल लेवल पर उन्हें दे सकते हैं. फर्स्ट, मार्बल रन पेंटिंग कैसे की जाएगी. सबसे पहले आपने कोई भी बॉक्स या कोई भी बेकिंग ट्रे लेकर उसके अंदर एक पेपर रख दिया, उसके ऊपर आपने चंद कलर्स के जो है वो इन द सर्कल ही डाले जाते हैं अमूमन, वो डाल दिए. उसके बाद आपने उसमें एक या दो मार्बल्स ऐड कर दिए, मार्बल या वो जो कैंचे होते हैं वो आपने उसमें डाल दिए. नाउ आस्क द किड टू मूव इट इन अ फ्री मैनर. विद एवरी मूवमेंट द कलर्स विल बी मिक्सड इन टू ईच अदर एंड मे बी सम न्यू कलर्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है. टिल्ट द बॉक्स ट्रे टू मूव द मार्बल थ्रू द पेंट एंड वॉच द कैलिडोस्कोप ऑफ कलर्स इमर्ज अक्रॉस द पेपर. तो उसके बाद जो एक इमेज आपके सामने आएगा वो डेफिनेटली हर बच्चे का किया गया काम डिफरेंट होगा एंड दैट कैन बी एक्सप्रेसिव. ओके, पेंट इन अ बैग, कोई भी जिपर लॉक बैग जो होता है आप वो लीजिए, उसके अंदर पेंट्स ऑलरेडी डाल दीजिए, क्योंकि जाहिर है पेंट से मेस भी क्रिएट हो सकता है. आपने ये भी कंट्रोल करना है कि उससे मेस क्रिएट ना हो, ऐसा ना हो कि मज़ीद गंदा हो जाए या खुदा ना खास्ता मुँह में डाल लें. अच्छा, पेंट इन अ बैग, आपने बैग के अंदर कलर्स डाले, कोई भी कलर्स हो सकते हैं. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलर एंड जिप द बैग क्लोज्ड बाय पुशिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैग. अब जब बैग को बाहर से मूव किया जाएगा, अगैन इट विल गिव द स्टूडेंट और द किड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड द न्यू वेज. अब यहाँ पर अगैन मैं बात करूँगी कि कुछ रियलिस्टिक इमेज भी क्रिएट किया जा सकता है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है. मे बी एट द टाइम द किड विल थिंक टू क्रिएट अ पोर्ट्रेट आउट ऑफ इट. जैसे हम लोग कभी अब तो खैर छतों पर सोने का ज़माना नहीं रहा, लेकिन जब बचपन में हम कभी छत पर सोया करते थे तो हम बादलों को देखते थे और बादलों से किस तरह के इमेजेस बन रहे हैं. अब वो ज़ाहिर है वो इमेजेस मेरा नहीं ख्याल के बन रहे होते थे, वो हमारे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड थे, ठीक है. तो इसी तरह से जब आप उसको कलर
बैग में डाल के देंगे और वो बैग को बाहर से मूव करेगा, सो उसमें उसकी बॉडी भी इन्वॉल्व होगी, उसकी हैंड मूवमेंट भी इन्वॉल्व होगी, उसकी माइंड भी इंगेज होगा और उन सारी चीज़ों के साथ वो कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ बनाएगा. स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग विच इज़ मतलब ये तो एक शायद सबको ही मालूम होगा. स्टैम्पिंग किसी भी आप आलू को कट करें, आप किन्नू को कट करें, आप कोई भी चीज़ जो कि इर्द गिर्द हमारे यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी उनको लें, उसको कलर में डिप करें और उसके बाद आप जब उसको पेपर के ऊपर लगाएंगे तो उससे एक स्टैम्प क्रिएट हो जाएगी. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ दैट कि उस स्टैम्पिंग का डेफिनेटली एक रियलिस्टिक इफेक्ट होगा. आप उस बच्चे की जगह पर जाकर सोचिए, ठीक है, जिसने एक चीज़ को हाफ कट किया, टिल देन इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, डिप इट इनटू द पेंट, मे बी ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग विद द पेंट, बट व्हेन ही पुट दैट इफेक्ट ऑन द पेपर, हाउ सेटिस्फाइंग इट कैन बी व्हेन ही विल सी अ रियलिस्टिक इमेज विद डिफरेंट कलर्स ऑन द पेपर, एंड मे बी ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट आफ्टर दैट. ठीक है, मे बी विद द स्टैम्पिंग मैथड ही विल मेक अ होल हाउस और मे बी अ फैमिली और मे बी समथिंग दैट इज क्लोज टू हिज हार्ट और मे बी ही इज एसोसिएटेड विद दैट थिंग. यू मे कट अ किचन स्पॉन्ज इन टू बिग एंड स्मॉल शेप्स, या एनी थिंग यू कैन यूज टू मेक द स्टैम्प्स एंड टू मेक द इम्प्रेशंस ऑन द पेपर. ब्लो पेंट, ओके, सो ब्लो पेंट में यूजली जो मार्केट अवेलेबल मटीरियल्स होते हैं, sometimes they take more effort to work with that, so maybe aap agar start le rahe hain chote bachcho ke sath to you have to use the straws or the minor things, ya jis tarah se kuch paudhe hote hain jinko andar se hollow out karke use kiya ja sakta hai. ye method bahut purana hai, mera khayal hai paleolithic zamane se log jo hai wo iske upar kaam kar rahe hain. purane zamane mein jab log gharon mein raha karte the aur wahan par unhone एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढे. जाहिर है एक बंदा गार से अगर शिकार के लिए चला जाता था तो उसको अपने पीछे वाले लोगों से कैसे बात करनी है, उनको कैसे समझाना है कि वेयर ही हैज़ गॉन. तो वो यूजुअली एक बाइसन की तस्वीर बनाई, उस पर तीर बनाया और विथ सम अदर मैथड्स. अगर मैंने देखा कि उन्होंने हाथ अपने रखे और फिर उसके ऊपर इसी तरह से ब्लो पेंट किया, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, मैं फिर अगैन कहूँगी कि यहाँ पर हम दो पार्ट्स की बात करें, एक वो कि हमें जो बच्चा काम करके दे रहा है वो क्या कर रहा है और आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे और फिर आपका कंक्लूजन क्या होगा, एंड वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. ठीक है, तो आप उसको कोई भी स्ट्रॉ दीजिए, कोई भी आप शेप पेपर से कट करके सादा पेपर लें, उसके ऊपर कोई भी पिजन या कोई भी तस्वीर बनाएं, फिर उसको ब्लो पेंट करने के लिए दें. जब वो ब्लो करेगा उसके ऊपर जो है वो स्प्लैशेस और कलर हो आ जाएगा अच्छे तरीके से. आपने जो पेपर रखा था आप रिमूव कीजिए तो शेप ऑटोमेटिकली वहाँ पर बन जाएगी. डैट इज़ वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग, वेरी सेटिस्फाइंग फॉर डैट किड. प्ले डो, कोशिश कीजिए कि ऐसी प्ले डो इस्तेमाल ना करें जो बच्चा अगर मुँह में डाल ले तो खुदा न खासा नुकसान पहुंचने का खर्चा. प्ले डो तो घर पे भी बन जाती है, मे बी मैदा और उसमें कुछ चीज़ें वगैरह मिलाकर. सो बेटर टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स अगैन इन द सुपरविजन ऑफ समवन, क्योंकि जाहिर है उसको खाना तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है. ये चूँकि ओपन है और इसके बहुत छोटे छोटे से पीसेस भी हो जाते हैं तो पर्टिकुलर्स मुँह में जा सकते हैं. वर्किंग विद प्ले डो कैन रियली ओपन द इमेजिनेशन, बट स्टोर आई हैव टोल्ड दैट बेटर टू यूज़ द मटीरियल दैट इज़ ईटेबल ऑल्सो टू अवॉइड एनी डेंजर. ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा. प्ले डो तो वैसे ही वो हाथ में आती है तो वैसे ही आपकी वो सेंसेस को करती है, एंगेज करती है. बबल रैप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, बबल रैप होता है ना जो अक्सर चीज़ों के ऊपर लपेटा होता है उन्होंने ताकि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं. आप बच्चे के पैरों के ऊपर बबल रैप लपेटें, उसके ऊपर उसको टेप अप कर दें ताकि वो प्रॉपरली जो है वो उसके फीट पे से उतर ना सके. देन आस्क हिम टू मूव इन अ टब ऑफ पेंट और अ ट्रे ऑफ पेंट और आफ्टर डैट उसको जब आप किसी भी पेपर के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर चलने को कहेंगे वो बबल रैप के साथ उसके जो इम्प्रेशंस बनेंगे उसके साथ उसकी एक क्रिएटिविटी भी सामने आएगी. मे बी फर्स्ट आप उसको जैसे कहेंगे कि आप चलें तो वो सिर्फ चले, बट वंस ही विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट ही विल स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद दैट थिंग. ठीक है, मे बी ही विल स्टार्ट मेकिंग द The patterns definitely. He will start making the patterns. He will start showing the creativity with the movement. Movement. कोई भी painting देखकर आपको ये judge करना चाहिए कि उसमें artist की effort कितनी जगह पर जा रही है. कुछ paintings छोटे size की होंगी और शायद miniature के तरह काम किया जा रहा है तो आपका इतना हाथ move करेगा. बड़े size पर काम करने के लिए आपका arm भी साथ ही engaged हो जाएगा. ठीक है ना, आपकी body किस हद तक इंगेज है काम के साथ, आपका माइंड किस हद तक इंगेज है काम के साथ,
आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस किस हद तक आप एक्सप्लेन कर सके हैं अपने काम के अंदर, दैट ऑल डज मैटर. एंड अगेन आई विल से दैट एन एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड डेफिनेटली. अच्छा जी, फिंगर पेंटिंग विद ग्लव्स, अगेन टू अवॉइड के जो है वो सारा मेस हो जाए या ख़राब हो जाए, सो बेटर टू गिव देम द ग्लव्स. दे विल वेयर द ग्लव्स, देन यू कैन गिव देम द कलर्स, और कलर्स के साथ जो है वो दे कैन मूव देयर फिंगर्स एंड दे कैन मेक एनी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मास्टरपीस. मे बी मोस्टली आई विल से एब्स्ट्रैक्ट, बट इट इज़ देयर चॉइस हाउ दे विल वर्क फॉर दैट. हाउ, अब यहाँ तक उनका काम हो गया, आपने जज कर लिया कि इस टाइम पर उनको किस थेरेपी की ज़रूरत है, किस तरह से आप उनको कम्युनिकेशन के लिए आमादा भी कर सकते हैं, और किस तरह से वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं आपके साथ. उस सब के बाद आपने कुछ तरीके ढूंढे जिससे आप जो है वो उनसे आर्ट की एक्टिविटी करवा सकते हैं, जो कि जाहिर है कुछ बेसिक तरीके होंगे. उसके बाद आप जज करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी किस में ज़्यादा है, एंड देन मे बी यू विल गो टू सम एडवांस लेवल. नाउ व्हेन दे हैव प्रोड्यूस्ड देयर वर्क, नाउ इट्स योर टाइम टू जज दैट एंड टू एनालाइज दैट. एंड हाउ यू विल डू दैट, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन जो कि आप देख रहे हैं. व्हाट डू यू सी, आपको सामने पेपर पे क्या नज़र आ रहा है. एनालाइज, आर्टिस्ट ने क्या करने की कोशिश की. इंटरप्रिटेशन, आर्टिस्ट उसमें क्या कहना चाहता है. एंड एट द एंड द इवेल्युएशन, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्ट वर्क. आप इवेल्युएट करेंगे कि इस आर्ट वर्क में क्या चीज़ बताने की कोशिश की गई है. सो डेफिनेटली देयर शुड बी सम वेज. ठीक है, जज किया आपने, देखा, सोचा, समझा, लेकिन कुछ तरीके भी तो होने चाहिए जिससे आप किसी आर्ट वर्क को जज कर सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. देयर आर एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी आर्ट पीस को जज करेंगे. वो क्या हो सकते हैं? लाइन. लाइन क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन इज वॉट? अ स्ट्रेट लाइन या इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स. ठीक है, अब वो टू डॉट्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, शायद मजीद डॉट्स की तरफ जाएं, किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, जिगजैग लाइन हो सकती है, डायगनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर तरह की लाइन. उसके बाद कलर. कलर तो मैं कहूँगी कि इस जो 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 काम आप करवाना चाह रहे हैं बच्चे से, उसमें कलर तो मोस्ट एक्सप्रेसिव होगा. ठीक है, और कलर्स की बहुत सी फॉर्म्स होती है. फॉर्म क्या होती है? फॉर्म और शेप में क्या फ़र्क हो सकता है? सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, फॉर्म ऑफ अ थिंग एंड अ शेप ऑफ अ थिंग. देन व्हाट कैन बी द डिफरेंस? फॉर्म 3D होगी, शेप 2D होगी. ठीक है, एक पेपर है उसके ऊपर मैंने एक दायरा बनाया, दैट इज़ अ शेप. फिर अगर मैंने उसको स्कल्पचरल फॉर्म में बनाया या फिर उसकी शेडिंग ऐसे की जिससे उसको एक उसके राउंड होने का तासुर सामने आता है, तो फॉर्म हम कहेंगे कि हमने फॉर्म आइडेंटिफाई की है, फॉर्म क्लियर की है, फॉर्म बनाई है. हम एक बहुत अच्छा सा बॉल या खरबूजा या कोई भी चीज़ बनाकर उसको ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत अच्छी शेप बनाई है. वी हैव मेड अ फॉर्म आउट ऑफ इट. तो फॉर्म 3D होगी, शेप 2D होगी. पिकासो का नाम सुना हुआ है? पैब्लो पिकासो. उसने 4th dimension बनाई है अपनी पेंटिंग्स के अंदर. ठीक है, 2D समथिंग जो कि सिर्फ शेप से रिलेटेड है, 3D जो फॉर्म से रिलेटेड है, 4th dimension क्या हो सकती है? वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं सामने से खड़ी हूँ ना, तो एक शेप आप देख सकते हैं, एक फॉर्म है. 4th dimension क्या है कि वो पीछे से जो चीज़ नज़र आ रही है उसको भी बनाता है. फॉर एग्जांपल उसने एक पोर्ट्रेट बनाया, अगर आप पोर्ट्रेट को साइड एंगल से देखें तो सिर्फ साइड से एक नाक, एक आँख, हाफ लिप्स नज़र आएंगे, लेकिन वो सब बनाता है. ठीक है, अगर वो फ्रंट से कोई पोर्ट्रेट बना रहा है तो जो बैक ऑफ द है उसको भी आगे से पेंट करेगा. कैसे पेंट करेगा? आप ज़रूर आज जाइए, सर्च कीजिए, देखिए, यू विल फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, और आर्टिस्ट तो मेरा ख्याल है अगर आप हिस्ट्री की बात करें, देर आर डिफरेंट इज़म्स. जैसे मैंने कहा कि इट्स अप टू द चॉइस ऑफ द आर्टिस्ट कि उसने कैसे काम करना है. देर इज़ नो स्पेसिफिक वे टू डू दैट. क्यूबिज्म वाले क्यूब्स बना बना के काम कर रहे हैं, इंप्रेशनिज्म वाले कलर्स के इंप्रेशंस लगा रहे हैं, एक्सप्रेशनिज्म, ये सारे हिस्ट्री की मूवमेंट्स हैं. एक्सप्रेशनिज्म में एक्सप्रेसिव तरीके से कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. फॉविज्म एक टाइम पीरियड आया जिसमें जो कि वाइल्ड बीस के नाम के साथ एसोसिएटेड है, उसके अंदर बहुत डार्क शार्प कलर्स हैं. उसमें जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं वो देखकर अकल भी आपकी दंग रह जाए कि यानी कि बहुत क्रिएटिविटी चाहिए. जब आप सामने से देखकर चीज़ बनाना, बहुत कमाल बनाना, बहुत कमाल की बात है, लेकिन उसको किसी और तरीके से बनाना और फिर उसके बाद ये कि लोग उसको एडमायर भी करें और उसके नाम पे एक पूरा इज़्म हो, और जब कभी दुनिया में उस तरह का काम किया जाए तो उसको एसोसिएट किया जाए कि इट इज़ रिलेटेड टू फॉविज़्म. इट्स समथिंग डेफिनेटली रिलेटेड टू द क्रिएटिव एबिलिटीज. टेक्सचर, जैसे भी आपने वो ब्लाइंड वाला क्वेश्चन किया था,
ठीक है, तो वो आपने टेक्सचर ऑफ द थिंग देखना है। अच्छा, टेक्सचर भी दो तरह का होगा, एक वो होगा जो कि ब्रश स्ट्रोक या किसी भी चीज़ के साथ होगा लेकिन शायद बज़ाहिर स्मूथ होगा, ठीक है, और एक टेक्सचर वो होगा जो कि ज़ाहिर है रफ़ होगा। रफ़ भी हो सकता है टेक्सचर, स्मूथ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ अ थिंग जो कि ज़ाहिर है उसके थ्री डायमेंशनल होने से एसोसिएटेड है, जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं और उसकी फॉर्म सामने आती है तो उसमें वैल्यू आपको नज़र आएगी। ये थे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वो हैं जो कि किसी भी आर्ट वर्क में यूज़ किए जाते हैं उसको बनाने के लिए, लेकिन जाहिर है उनको इस्तेमाल किसी प्रिंसिपल के तहत किया जाता होगा। ऐसा तो नहीं आपने उठाया लाइन लगाई और जहाँ मर्जी लगा दी, देयर शुड बी सम प्रिंसिपल्स टू यूज़ दैट एंड दीज आर बैलेंस्ड। अब बैलेंस किस किस तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक बैलेंस ये होगा कि एक बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है, अगर आप उसको सेंटर में से कट हाफ करके देखते हैं तो जैसा राइट साइड है वैसी ही लेफ्ट साइड होगी, तो वो इक्वल बैलेंस कहलाएगा। और बैलेंस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड्स इक्वल ना हो, लेकिन या तो दोनों में कलर की इंटेंसिटी बैलेंस्ड होगी या वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बैलेंस्ड होगी या कोई कलर्स वगैरह कुछ ऐसा होगा जिससे वो बैलेंस्ड ही कहलाएगी। एम्फेसिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंक्लूड्स अ फोकल पॉइंट ऑल्सो। कोई भी पेंटिंग जब आप देखते हैं तो उसके अंदर फोकल पॉइंट आपने जज करना है कि क्या है। वाई ओनली द पेंटिंग, हर वो चीज़, इवन इन द ड्रेसिंग, इन एवरी थिंग, जब फोकल पॉइंट आपका आइडेंटिफाइड होता है, इन्हांस्ड होता है, तो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है, ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो जाता है। मूवमेंट जो कि जाहिर है पैटर्न के थ्रू हो सकती है, कलर्स के थ्रू हो सकती है। एक कलर जो यहाँ पे लगाया गया है, आप किसी भी पेंटिंग को देखें, अगर उसमें रिपीटेड कलर्स हैं तो आपकी आई ऑटोमेटिकली मूव करेगी। आपको अपनी आँखों को मजबूर नहीं करना देखने के लिए, खुद ब खुद कलर्स के अकॉर्डिंग आपकी आँखें जो हैं वो मूव करती हैं। प्रोपोर्शन, जिस तरह से प्रोपोर्शन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। इवन लाइक हम आप पहले मुझे ये बताइए कि बीच में क्या है, हमारे फेस के बिल्कुल दरमियान में क्या है? श्योर? अभी ये मेरी नोज़ है, तो फेस तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, बाकी कहाँ गया? दरमियान में आँखें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पोर्ट्रेट बनाएं, तो वो शायद इस वजह से प्रोपोर्शनेट ना बन सके कि आप दरमियान में आँख बना देंगे, और जब आप दरमियान में आँख, सॉरी नाक, आपने कहा नाक, आप दरमियान में नाक बना देंगे और फिर इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म हो ही नहीं सकता ना, दरमियान में तो आँख आ रही है। आज घर जाके देखना ज़रा, ठीक है। अब ज़ाहिर है सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, कोई 19-20 फ़र्क भी हो सकता है, इतना मार्जिन रखना। लेकिन नाक का आना ज़रा मुश्किल है, प्रोपोर्शन काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। यूनिटी जो कि एक सारी चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद हैं, उनकी क्या यूनिटी है एक काम के अंदर और उसके अंदर क्या वेराइटी प्रजेंट की जा रही है, इन सारी चीज़ों को उस बच्चे के काम से जिससे आपने काम करवाया उनसे एसोसिएट करके देखिए। पहले एलिमेंट्स कि उसने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, फिर प्रिंसिपल्स के किन असूलों के तहत इस्तेमाल की है। बच्चा इतने असूल नहीं सोच रहा, वो नहीं सोच रहा कि वो बैलेंस्ड बनाने वाला कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बैलेंस्ड ना हो, इम्बैलेंस्ड हो, स्टिल उसके अंदर एक बैलेंस हो। जैसे मैंने कहा कि बैलेंस दो तरह का, एक वो जिसमें दोनों तरफ इक्वल चीज़ें मौजूद हैं, दूसरा वो जिसमें नहीं है। सो यू हैव टू जज दैट। ओके, सम आर्ट वर्क, इसके रिसोर्सेज जो हैं वो एंड में मौजूद हैं। अच्छा जी, दिस वर्क इज़ प्रोड्यूस बाय रेमी, हु इज़ अ 7-year-old चाइल्ड विद ऑटिज्म एंड एंजॉयज एक्रेलिक पोरिंग पेंट एंड राइटिंग विद शार्पी मार्कर्स ऑन टाइल्स। नाउ एक 7 साल का बच्चा जिसको अगर ऑटिज्म है और वो एक्रेलिक पेंट के साथ काम कर रहा है, सो विथ डैट आई थिंक इट्स समथिंग रियली अमेजिंग टू सी दैट वर्क। एंड मे बी अगर ये अगर जितने भी साइज के ऊपर बनाया गया, मे बी इस तरह का काम है कि इसको बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है, 3D ऑब्जेक्ट्स पर भी, 2D ऑब्जेक्ट्स पर भी। Michaela finds her happy place capturing expressions of people, creating portraits and surfing. ठीक है, शायद उसने वो expressions ढूंढने, expressions को बनाने में ही जो है वो एक satisfaction feel की है। The sketches she makes has less to do with practicing and more about getting to know the person. चूँकि उसने जो portraits बनाए हैं उनमें expression को major फोकियत हासिल है, तो उससे ऐसा लगता है कि she wants to know more about the people and person, और उसी को उसने represent किया है अपने काम में। Niam was diagnosed with autism at an early stage. He has limited speech and comprehension. जो कि हमने स्टार्ट ही बात यहाँ से की कि अगर लिमिटेड स्पीच है तो हमने उसको इन्हांस कैसे करना है, कैसे मुख्तलिफ वेज देने हैं उसको। His paintings express his inner feelings and concepts. अब आप पेंटिंग देखेंगे, now this is the time to judge the painting or analyze the, not judge, analyze, to analyze the painting with the help of elements and
प्रिंसिपल्स, इस पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा जो आपको नज़र आ रहा है? हाँ, कलर भी, ठीक है ना, मेजर विजुअली हर चीज़ का इफेक्ट जो होता है ना वो पहले जब आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले वो कलर और जो कंपोजिशन होती है डैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन डैट ऑन यू. एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैक्सवेल डिस्कवर्ड इज हिज एंड हिडन टैलेंट ड्यूरिंग अ कंप्यूटर साइंस क्लास इन 2011 ड्राइंग पिनोकियो ऑन एन आईपैड. इसमें आपको टेक्सचर भी नज़र आ रहा है, कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, ड्राइंग भी नज़र आ रही है. इसको हम कौन सी पेंटिंग कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे. यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेसेस को, लेकिन वो नेचुरलिस्टिक या रियलिस्टिक नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं. अगर उसकी जगह सिर्फ यहाँ पर एक लाइन हल्की सी लगी होती और उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता कि ये एक फेस है, तो वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल पे चला जाएगा. स्टीफन वॉज डायग्नोज विद ऑटिज्म एट एज 3 एंड वॉज नॉट वर्बल एज अ चाइल्ड At age 5, he started drawing during his pastime and communicated to the world through drawings. His detailed cityscapes are famous. अब आप देखिएगा कि ये काम पिछले दिखाए गए कामों से मुख्तलिफ है और इसमें डिटेल्स ज़्यादा हैं. इतना डिटेल्ड काम करने के लिए माइंड किस हद तक इंगेज होगा? अगर आप इतना डिटेल्ड काम और इतने बड़े वसी पैमाने पर उसको करना शुरू करते हैं एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन डैट, तो आप अपने एनवायरमेंट से थोड़ा सा हट जाते हैं, आप उस ही दुनिया में खो जाते हैं. आप नॉवल पढ़ें, समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता, 2-3 घंटे पता ही नहीं चलते. मैं रात को नॉवल पढ़ी थी, मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बाकी सुबह पढ़ूंगी. फिर सुबह हो गई. तो जब मैंने इसको बंद किया तो मैंने कहा ओहो सुबह हो गई, अब क्या करें. तो लेकिन ये कि वो आप उस दुनिया में खो से जाते हैं. सो बहुत मज़ा आता है. आप पेंट करके देखें, आपको खुद बड़ा मज़ा आएगा. ठीक है, आप कभी एक दफ़ा कमरा बंद करें, सुकून से बैठें. हाँ, आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए, ये मैं बता दूं. अगर आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर पूरा मटेरियल नहीं है, या आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आपने उसको कैसे करना है, तो वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट कर सकता है. ठीक है ना, समटाइम्स आप, अब मैं फिर वही बात है, रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट पर जाऊँगी. शायद आप एक बहुत अच्छे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हों, ठीक है, लेकिन आप रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन इट कैन क्रिएट द फ्रस्ट्रेशन कि उतना अच्छा क्यों नहीं बन रहा. ठीक है ना, अमूमन जो लोग बहुत अच्छे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं वो ऑलरेडी रियलिस्टिक अच्छा काम कर चुके हुए हैं. जैसे पिकासो, उसका रियलिस्टिक काम इट्स ऑसम, फेमस अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की वजह से है. ठीक है, इवन पाकिस्तानी आर्टिस्ट में आप सईद अख्तर साहब का काम देखिए, दोनों ही जगहों पे उनका काम बाकमाल है. उनके रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, इट्स अ फन टू वॉच हिज पोर्ट्रेट्स. आप सईद अख्तर साहब का काम देखें, इट्स रियली अ फन टू वॉच हिज वर्क. आप थोड़ी देर तक हिल नहीं पाते पेंटिंग के आगे से. अच्छा जी, आगे चलते हैं. आयरिस हैज ऑटिज्म एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ थ्रू पेंटिंग्स. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़. इट लुक्स लाइक एन इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक. इम्प्रेशनिज्म हमारी हिस्ट्री में, इम्प्रेशनिज्म एक मूवमेंट रही है जिसमें आर्टिस्ट इम्प्रेशंस में काम करते थे. वो कलर्स मिक्स करने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पर्पल कलर लगाना है कहीं पर, तो वो पैलेट पर मिक्स करने के बजाय एक रेड डॉट और एक ब्लू डॉट लगाएंगे, और जब आप दूर से पेंटिंग देखेंगे तो जो इम्पैक्ट आप रिसीव करेंगे और आपकी आई कंसीव करेगी, डैट विल बी पर्पल. इम्प्रेशनिज्म की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इम्प्रेशनिस्ट जो थे वो टाइम और मोमेंट के ऊपर काम करते थे. एट द मोमेंट क्या हो रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, एट द मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट एंड द प्रीवियस मोमेंट, हर मूवमेंट और हर मोमेंट के साथ लाइट, कलर, टेक्स्चर, फॉर्म, ख़ास तौर से लाइट बदल जाती है. अगर वो कोई सिटी कैथेड्रल बना रहे हैं या कोई भी सिटीस्केप बना रहे हैं, तो वो एक कैनवस लगाने के साथ उसके साथ 8-10 canvases और लगाते थे, एंड दे जस्ट मूव्ड टू डैट. लाइट चेंज हुई, वो दूसरे पे मूव कर गए. सुबह, दोपहर, शाम, रात, द इम्प्रेशन ऑफ कलर्स इज डिफरेंट, जो प्रैक्टिस से ही आएगा. अच्छा जी, एक्सप्रेसिव कलर्स हैं. एक्सप्रेसिव कलर्स का मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिकली रेफर्स टू अ यूज ऑफ कलर डैट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिस्ट क्रिएटिव चॉइस. आर्टिस्ट की क्रिएटिव चॉइस के ऊपर बेस करता है. ये चॉइस डिज़ाइन डिसीजन भी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल डिसीजन भी हो सकती है. डिज़ाइन डिसीजन भी हो सकती है कि आप क्या बनाना चाह रहे थे और उसके लिए सूटेबल कलर्स कौन से हैं. कॉन्सेप्चुअल डिसीजन भी हो सकता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट, जो आइडियोलॉजी, जो आइडिया अपने दिमाग में सोचा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप एप्पल को ब्लू बना रहे हैं या बनाना को ब्लू बना रहे हैं, तो इट इज़ अ यूज़ ऑफ एक्सप्रेसिव कलर्स, जो कि इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द सब्जेक्टिव कलर्स. Benefits of art therapy. Now we have come to the end and the conclusion that what can be the benefit. Mera khayal hai kuch benefits to aap bhi shayad bata saken. The first benefit of the art therapy is that the person can express his feelings and emotions.
हाँ, एंड ही कैन कम्युनिकेट विद यू थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू विजुअल आर्ट फॉर्म्स. Art is a highly beneficial intervention tool for children with special needs, allowing these individuals to freely express their thoughts and feelings. Free mahol, free colors, free intention to do anything. Children have an inherent sense of creativity that grows and stretches as their minds develop. Children on the autism spectrum in particular can display a deep sense of creativity and imagination. Maybe some other also. Maybe you know more about the things that affect them. तो उनमें से जो भी अगर इफ दे आर फीलिंग अ प्रॉब्लम एट वन साइड तो मे बी ऑन द अदर साइड दे हैव अ डीप सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय क्रिएटिंग आर्ट्स. इट्स अ ट्रूथ. द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय क्रिएटिंग आर्ट एंड प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ डोपामाइन. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एज इंक्रीज डोपामाइन लेवल्स इंप्रूव कंसेंट्रेशन. आप कि फाइव सेंसेस के साथ आपका जो ताल्लुक है, वो सेंसेस के साथ आप जो महसूस कर रहे हैं उसको आप किस तरह क्रिएटिव लेवल पे लेकर जा रहे हैं, वो आपकी कंसंट्रेशन के लेवल को भी इम्प्रूव करेगा. एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी थ्रू आर्ट आल्सो एलिवेट्स सेरोटोनिन, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल इन शॉर्ट. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आई होप आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर clear that how an art activity can be suitable for the those kids and how they can present their feelings in better ways. If there is any question, you may ask.